Hello. Hi, Samir. Hi, Aditya. How are you now? I'm good. I'm much better. अच्छा, माँ से तो तुम मिल ही चुके हो. He is my father. Hello, uncle. अच्छा हुआ आदि तुम चले आए, वरना जब अवंतिका ने कहा ना कि तुम नहीं आओगे, मेरा तो दिल ही बैठ गया था. नमस्ते अंकल. नमस्ते आंटी. नमस्ते बेटा. ये हमारी प्रीति. I'm sorry, मैं पहचान नहीं पाया. दरअसल हमारे यहां देखते दिखाते वक्त पहनावा थोड़ा अलग होता है, इसलिए पहचान नहीं सका. So what, Mr. Deshpande? जरूरी नहीं कि हम वही ट्रेंड फॉलो करें. और वैसे भी ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है. फॉर्मेलिटीज और कस्टम्स से व्हाई डू वी हैव टू मेक इट फॉर्मल? यस अवंतिका, ऑफ कोर्स ये तो एक कैजुअल मीटिंग है. और निर्मला जी, वैसे भी हम शादी तो सारे कस्टम्स के हिसाब से ही करेंगे. जी बिल्कुल. वैसे हमारे पंडित जी ने कहा था कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप सब लोगों को एतराज ना हो और आप सब राजी हैं तो क्यों ना इन दोनों की शादी उसी टाइम फिक्स कर दी जाए. इतनी जल्दी? डोंट वरी मैम, ये तो सिर्फ एक प्रपोजल है. जो भी डेट आपके लिए ठीक होगी हम वही डेट फिक्स करेंगे. समीर, अब ये मैम बोलने की आदत ना बदल लो. आदतें तो फिर भी बदल जाएंगी, लेकिन इन दो परिवारों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे बदलेंगे? मजाक कर रहे हैं. इन्हें बहुत आदत है मजाक करने की, सो प्लीज डोंट माइंड. हाँ, नॉट एट ऑल मिसेस देशपांडे. लेकिन हर चीज के लिए एक सिचुएशन होनी चाहिए, सही वक्त होना चाहिए. आई थिंक हम लोग मेन मुद्दे को छोड़कर कहीं और भटक रहे हैं. मेरे हिसाब से ये समय ठीक है. अगर पापा को कोई एतराज नहीं तो लेट्स लॉक इट. हाँ नहीं, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डेट से. बोलने के लिए तो बोल दिया, पर सारा काम तो मुझे ही करना होगा. हे आदि, आज ऑफिस में दिखे नहीं. आई होप यू आर ओके. एक्चुअली क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे. हाँ मैं कल ऑफिस आके कर दूंगा. कल? हाँ. आर यू श्योर? आई मीन कल तुम ऑफिस आ पाओगे? हाँ. तू इस तरह का सवाल क्यों कर रहा है मुझसे? वो एक्चुअली हम सब जानते हैं ना, इस वक्त तेरी मेंटल कंडीशन थोड़ी स्टेबल नहीं है. तो मैं सोचा था कि इस वक्त हमें टॉपिक को ना थोड़ा इग्नोर करना चाहिए. और किसे पता कि तुम्हें कितना वक्त लग जाए पूरी तरह नॉर्मल होने में. मैं नॉर्मल हूँ रुबल. ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. तो सिचुएशन का ना फायदा उठाने की कोशिश मत कर. आदि जस्ट रिलैक्स यार, रिलैक्स मेरे भाई.
तू इतना जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है? मैं तुझे जस्टिफिकेशन क्यों दूंगा? मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सो प्रूव मी रॉन्ग। प्रूव इट। व्हाट डू यू मीन? एक काम कर, तू दादाजी के रूम में जा और वहां पे दादी माँ का पोर्ट्रेट है ना, 2 मिनट, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तू उस पोर्ट्रेट को बिना डिस्टर्ब हुए बस देख ले। दैट वुड बी द बिगेस्ट प्रूफ फॉर मी। वेरी सिंपल। आई विश आदि तुम प्रूव कर पाते। आई विश, बट सैडली अब तो उल्टा ही होगा। आदि, तो आपका जानना जरूरी है। नहीं बताना यार, बताना किसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? आपको। व्हिच सो स्ट्रेंज ना, वन स्मॉल बॉल और किसी की जिंदगी चली गई। आदि चौंक रहे हो? तो क्या क्या नानी जी ऑलरेडी क्लिक की डेड है। अब तो छोटा था आपको कुछ वन स्मॉल बॉल और किसी की जिंदगी चली, किसी की जिंदगी चली गई। आदि, आदि, ये आदि कहाँ गए? ना पोर्च में है ना नीचे हॉल में। हाँ वो कुमार्स की फाइल देखो तो। हाँ मैंने कल ही वो टेंडर देखा था, खुद ने देखा था मैंने। आप प्लीज क्रॉस चेक करके मुझे जल्दी बताओ। आदि को कहीं देखे? I'll call you back. Are you talking to me? हाँ एक्चुअली मैंने आदि और पंखुड़ी को कुछ ही देर पहले कॉरिडोर में कुछ बात करते हुए देखा था। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आदि वाज वेरी अपसेट। गॉड नोज व्हाई दिस पंखुड़ी इज ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट अगेन जस्ट टू प्रूव कि वो बिल्कुल सही है। अभी आदि कहाँ चला गया? आदि, 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 क्या कर रहे हो? क्या हुआ आदि? क्या हुआ यार? Look at me, क्या हुआ आदि? What happened? क्या हुआ बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हो? What happened? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है, हाँ? तुमने कुछ नहीं किया है आदि। नानी is really upset। वो मुझसे सवाल पूछ रही कि ऐसे क्यों किया? याद, कोई तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा, ठीक है? और सुनो, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। You have not done anything wrong, आदि। Please, आदि। कुछ नहीं किया बेटा, प्लीज डोंट डू दिस, आई कांट सी यू लाइक दिस। आदि प्लीज डोंट डू दिस, स्टॉप गिविंग योरसेल्फ। आदि कुछ नहीं किया है। बस रूम में हूँ। काम डाउन, काम डाउन।
यस आदि बेटा, काम डाउन काम डाउन। नहीं तो नानी अगर तुम्हें इस हालत में देखेगी तो वो और भी अपसेट हो जाएगी। और नहीं तो क्या, देखो बेटा अब जो हुआ सो हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर तुम इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। भाभी प्लीज डोंट बी सो पेसिमिस्टिक, ऑफ कोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। आदि अपने गिल्ट से बाहर आएगा, वो भी अभी, है ना आदि? रूबी मैं जानता हूं कि व्हाट यू आर फीलिंग, हां, लेकिन अगर तुम्हें डर को दूर करना है ना तो तुम्हें डर का सामना करना पड़ेगा, डर से लड़ना पड़ेगा। देखो एक एक मिनट, मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमने नानी को हम सबसे सीना। वेट अब अंतिक कार, डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज। देखा दी, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें पश्चाताप करना है तो तुम्हें अभी इस वक्त नानी को देखना होगा। देख अपनी नानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, देख। देख उनकी आंखों में, देख आदि, प्लीज एक बार देख आदि। नो, फेस योर फियर। नो, सब ठीक हो जाएगा। नो, ही विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। नो, उठो यहां से आदि, आदि उठो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के बाद आदि नानी के पोर्ट्रेट के सामने कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कम, गेट आउट दिस रूम। Why don't you understand, Meera? Aati needs urgent help. और इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। वो सब मैं नहीं जानती। Just cancel all your urgent appointments. Okay, fine. Aati, are you okay, baby? थोड़ा पानी पी, okay? हाँ, मैं पानी लेकर आती। तुम ही काम करो, अभी थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है? टीवी स्विच ऑन करो तुम्हारे लिए, थोड़ा टीवी देखोगे या तुम्हारा लैपटॉप लिया friendosti.com? हाँ, लैपटॉप लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ लैपटॉप। बहुत तंग कर रहा हूं ना मैं आपको। नहीं आती, तुम हम में से किसी को भी तंग नहीं कर रहे हो। एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, तुम ही काम करो आती। तुम आज पूरा दिन इसी रूम में रेस्ट करो, ओके? जस्ट रेस्ट, यू गोना बी फाइन, ओके? आई एम गोना मेक यू फाइन। अरे अवंतिका, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा ये बताओ, अब कैसा है हमारा आदि? He's fine, resting. चलो अच्छा हुआ,
सच कहो, आदि की चिंता की वजह से ना आजकल मेरे गले से खाना ही नहीं उतरता। हमारे आदि को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? What do you mean, भाभी? आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा बेटा पागल हो गया? नहीं नहीं अवंतिका, मैं भला ऐसा कैसे कह सकती हूँ? वो क्या है, छोटे शहर की लड़की हूँ ना, इसलिए तुम्हारी तरह अंग्रेजी में बकबक नहीं कर सकती। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंग्जाइटी? हाँ हाँ वही वही, और वो डिप्रेशन। मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि हमारे आदि को ये दोनों प्रॉब्लम्स हुई है क्या? देखो ना, कितना प्यारा बच्चा था हमारा, क्या जरूरत थी पंखुड़ी को ये सब कुछ बताने की, और वो भी तुम्हारे मना करने के बावजूद। ना पंखुड़ी आदि को ये सब कुछ बता दी और ना ही हमारा आदि इस तरह से मेंटल, मतलब ऐसा टूटता नहीं बेचारा, इस तरह से ना होता। आपको मेरे बेटे के लिए इतना कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। आई नो हाउ टू हैंडल माई सन। बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे को अच्छे से हैंडल करना सीख लीजिए। और हाँ, रही मेरी डॉटर इन लॉ की बात, तो वो क्या करती है क्या नहीं, यू डोंट नीड टू गिव मी एन ओपिनियन भाभी। पंखुड़ी जो भी करती है हमेशा अच्छे इंटेंशंस के साथ ही करती है, सबके लिए हमेशा कंसर्न रहती है, नॉट लाइक अदर बहूज जिन्हें सिर्फ अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचने का टाइम तक नहीं मिलता। आम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लतिका, और खासकर तुम्हारे लिए। वैसे क्या प्लान बनाया था ना? सच कहूं, आदि का चेहरा देख के ना 5 मिनट के लिए मैं भी इमोशनल हो गई। अब क्या कहूं, मेरा दिल है ही इतना कोमल। एटलीस्ट इस बात की तो तसल्ली है कि तुम अनुज पे नहीं अपनी मॉम पे गए हो। कम ऑन मॉम, डोंट बी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। सासू जी, अब तो मैं अकेले अकेले ही खा रही हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करती, एक और आम मंगवा लीजिए तो आप भी साथ में बैठकर खा सकती हैं। मॉम, आप कह रही थी कि आप ये मैंगोस लतिका के लिए लाए, और अब आप ये मैंगोस खा रही हैं। मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं? या हम आपके बिना कुछ फंक्शन नहीं कर सकते? मॉम एक बात बोलूं, आप है ना, खुद को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए। ठीक है, नहीं खाती हूँ, ये खा ले, काफी है कि पूरी की पूरी पेटी लाके रख दूं इधर। लेट इट बी मॉम, रहने दीजिए, आप बस कल का वेट कीजिए, देखिए कल मैं क्या करता हूं। थैंक यू सो मच मीरा, यू आर माई फ्रेंड, तुम इसे एक्सपेक्ट करूंगी ना? मॉम एक मिनट। फाइन, फिर मैं उसे शाम को तुम्हारे क्लिनिक लेकर आती हूँ। मॉम आई एम सो सॉरी मीरा, आई विल कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। ओके। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कांट यू सी कि मैं यहाँ पे एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट ले रही हूँ? हाँ मैं जानती हूँ, आप आदि के लिए बहुत कंसर्न है, इसलिए आप उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हैं। पर मॉम, अगर इस वक्त हम आदि को डॉक्टर के पास लेके गए तो हम उन्हें और गिल्टी फील करवाएंगे। मेरे बेटे की कंडीशन देख रही हो ना तुम, और फिर भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं डॉक्टर को क्यों फोन कर रही हूं? क्या चाहती हो तुम पंखुड़ी? मॉम वही जो आप चाहती, आदि की खुशी। तो क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि आदि को सच पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। मॉम मैंने आदि को सच इसलिए बताया क्योंकि उन्हें सच जानने का राइट था,
और हम उनसे सच छुपा के गलत कर रहे थे। सही और गलत क्या है ये बार बार तुम मत सोचो पंखुड़ी। हम लोग हैं ना यहाँ पर, रामशर आज भी तुमने आदि को फोर्स किया होगा ना नीचे आने के लिए। नो मॉम, मैंने आदि को फोर्स नहीं किया। वो मासी की शादी को लेके इतना एक्साइटेड थे तो मैंने सोचा उन्हें भी नीचे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और शादी के बहाने उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। और प्रेपरेशंस में पार्टिसिपेट करते वक्त अगर रूबल और लतिका ने किसी भी वे में आदि को हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो, और तुम अपने दादाजी को मेरी कंप्लेन कर रही थी पंखुड़ी। Why are you involving your family in this? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।